हमत और सेहत में आपका ख़ैर मकदम है मैं आपका दोस्त हकीम दलाल ख़ान आपकी खिदमत में बड़े शानदार नुस्खे के साथ हासिल हूँ नाजन उन लोगों के लिए जिनको प्रॉब्लम ये है कि उनको धात भी जाती है उनको एहतलाम भी होता है या कुछ ऐसे किसी को धात जाती है किसी को एहतलाम होता है और जिसकी वजह से उनके वीरे बहुत ज़्यादा पतला हो गया है उनकी मनी बहुत पतली हो गई जिसकी वजह से उनके अंदर रुकावट में बहुत कमी है वो अपनी बीवी का हक़ अदा नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से घर में झगड़ा फसाद रहता है और जिसको धात की प्रॉब्लम हो या जिसको बहुत ज़्यादा एहतलाम यानी कि नाइट फॉल होता हो तो उसका शरीर भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाया करता है कमर में दर्द रहना शुरू हो जाता है टांगों में दर्द रहना शुरू हो जाता है चिड़चिड़ापन हो जाता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उसको प्रॉब्लम्स जो है आ जाती हैं मैं जो आपको नुस्खा बता रहा हूँ इन 21 दिन 21 दिन इसे कर लें ट्वेंटी वन डेज़ जी हाँ इक्कीस दिन में इनशाला इतना आराम मिल जाएगा कि धात भी खत्म हो जाएगी नाइट फॉल हो तो वो भी उसकी भी छुट्टी हो जाएगी और साथ ही साथ मनी हो जाएगी गाड़ी और रुकावट हो जाएगी बेहद आपकी बहुत ज़्यादा अब आप देख लें नुस्खा क्या है आप ले लें दो सब्ज़ी आती है भिंडी और दूसरी होती है तोरी जिसे कुछ जगहों पर तुरई भी कहा जाता है भिंडी और तोरी की आप जड़ ले लें ठीक है ना इन दोनों को ला आप इनको साय में सुखा लें धोपे नहीं सुखाना है साय में सुखाना है छावदार जगह पर सुखाना है और इस जब ये सूख जाए तो इसको कूट पीस ले आप जब कूट पीस के तैयार हो जाए तो ये आपकी दवा तैयार है वह आपने इस्तेमाल कैसे करनी है वो सुन लें आपने रात में एक तोला इसमें जो कूट पीस के आपने दवाई तैयार की है एक तोला उसमें से एक पाव पानी में आप रात में भिगो दें रात भर भीगे दो सुबह उठने के बाद उसको थोड़ा सा हाथ से अंबल लें और उस छान लें उस पानी को छानने के बाद उस पानी में थोड़ी सी मिश्री मिला लें पूजा मिश्री ले आए मिश्री मिलाने के बाद वो पानी पी लें इन शाला इक्कीस दिन में ये सारी दिक्कतें धात की हो या नाइट फॉल की हो या जो है मनी बहुत ज़्यादा पतली हो गई या रुकावट नहीं आती ये सारी दिक्कतें इन ख़त्म हो जाएंगी उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक करें मुझे इजाज़त दें अपना ख्याल रखें मिलते हैं नए नुस्खे के साथ अल्लाह हाफिज़